ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन की दो बहनों ने सोलन और हिमाचल का नाम राष्ट्रीय चैनल में रोशन कर दिया है। दोनों बहनों ने एमटीवी रोडिस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया है। हिमाचल की दोनों बहनों ने चंडीगढ़ और पुणे में ऑडिशन देकर हजारों युवाओं को पछाड़कर इस कार्यक्रम में प्रवेश किया। सोलन की दो बहनों ने सोलन और हिमाचल का नाम राष्ट्रीय चैनल में रोशन कर दिया है। दोनों बहनों ने एमटीवी रूडीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया है। हिमाचल की दोनों बहनों ने चंडीगढ़ और पुणे में ऑडिशन देकर हजारों युवाओं को पछाड़कर इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है। अब ये दोनों बहनें भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हजारों युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में बोल्ड और स्ट्रांग होना जरूरी है और दोनों ने मिलने वाली सभी टास्क को बखूबी से पूरा किया है, जिसे देखकर जजेस भी दंग रह गए हैं। बेटियों की कामयाबी पर उनके माता पिता सत्यादेवी और राजेश कुमार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुखी मन से बताया कि उनका बेटा एक दुर्घटना के कारण आज उनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटियों ने ये साबित कर दिया कि वह बेटे से कम नहीं है। आज बेटियों की वजह से उन्हें सोलन में नहीं बल्कि पूरे भारत में नई पहचान मिली है। उन्होंने बेटियों के माता पिता को संदेश दिया कि बेटियों को अगर उनकी इच्छा अनुसार मौका दिया जाए तो बेटों से बेटियां कम नहीं है। दरअसल हमारा बेटा जो है वो बाइक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद हमारा जो मन जो है ना बहुत टूट चुका था, लेकिन हमारी बेटियों ने वो करके दिखाया कि हमारे दोबारा से जान डाल दी, हमारे को जीने की हिम्मत दी। हमारे को बहुत खुशी हुई है, बहुत ही ऐसा गर्व महसूस हुआ है कि जो हमारे बच्चों ने इतना बड़ा कुछ ये अपने रोडी में सिलेक्ट होके आगे कदम बढ़ाया है। इनकी सिलेक्शन जैसे हमको पता चला कि तो हम पहले भी रोडीज को देखते थे, जैसे हम जवानी में थे या बड़े थे तो हम देखते थे कि अभी रोडीज में जाना है, रोडीज में जाना एक बड़ा टफ होता था। अब जो हमारे बच्चे हैं वो पूरी पूरी रात खड़े होकर उन्होंने ऑडिशन दिए हैं, ये एक ऑडिशन, दो ऑडिशन, तीसरे ऑडिशन में जाके क्लियर किया है इन्होंने, तो बहुत बहिम्मत की बात है। और लड़कियां, हम तो कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से बढ़ के, लड़के भी उसमें नहीं खड़े हो पाए, हजारों लोग खड़ते हैं इस लाइन में, लेकिन इन बच्चों ने वो करके दिखाया, अपना कंपटीशन करके दिखाया, डिप्स के डे हर चीज पता नहीं क्या क्या चीजें उनसे फॉलो हुई, फिर जाके इनकी बेटियां भी हुई है, बेटी भी हुई, सब कुछ हुई है। जैसे हमारे को बेटे की डेथ जब हुई तो सब यही कहते थे कि अब क्या है, इनकी तो लड़कियां रही है, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला जब इनके पापा बहुत, दोनों ही हम बहुत टूट गए थे, उन्होंने कहा क्या बेटा वही सब कुछ आपके लिए था, क्या हम नहीं है, हम बेटे बन के बताएंगे। और जैसे उन्होंने उस टाइम बोला था, और 10 साल हो गए हमारे बेटे को गए हुए, उन्होंने वो साबित करके भी दिखा दिया, उन्होंने आज साबित करके दिखा दिया कि नहीं वो सच में ही किसी बेटे से कम नहीं है। हमें इतनी जान पहचान नहीं थी, आज हमारी बेटियों ने हमारी जान पहचान कराई है, सोलन में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे इंडिया में हमारे नाम, हमारा जो है, हम दोनों का, हम पूरी फैमिली का जो नाम रोशन किया है बेटियों ने, तो आज हम प्रिया और प्रीति के ही माँ बाप कहलाएंगे आगे भी। जैसे भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये देखो प्रिया प्रीति के पापा जा रहे हैं या बहन जा रही है, नेहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी की बात है बेटा, बहुत ही खुशी की। मैं कहती हूँ कि सबकी बच्चों को जो है उनसे प्रेरणा मिलेगी और लेनी भी चाहिए, और बेटियों को भी उनसे शिक्षा मिलेगी, और जैसे ही वो आएंगी और तो हम आपको बता देंगे।